नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास में जब भी युद्ध हुए हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले अफगानिस्तान से करते हैं। तो वह दौर जब 90 का दशक था, जब जो है अफगानिस्तान का जिक्र होते ही कमज़ोर दिल वाले कसकर जो है कान बंद कर लिया करते थे। इत्र लगाकर घर से बाहर निकलने पर झुंड भर जो है अफगानी युवतियों को गोली मार दी गई। वजह जो है औरत की खुशबू मर्द तक पहुंचने से वह रास्ता जो है बहक जाता है। तो एक युवती को तो इसलिए जान देनी पड़ी क्योंकि वह जो है घर के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। तो औरत की जो है आवाज़ मर्दाना कानों तक पहुँचे तो वह जो है फर्ज भूलकर जो है प्रेम में डूब सकता है। तो कुछ जो है सालों के बाद अब जो है अफगानिस्तान की गलियों में अमेरिकी सेना के जो है भारी बूट चहल कदमी करने लगे। तो बंदूकों के साए में लड़कियां एक बार फिर जो है आज़ाद हुई। वे जो है पसंदीदा खुशबू लगाने लगी और काबुल के बाज़ारों में रंग दिखने लगे। तो पुरुषों के मुल्क में महिला जो है चेहरे भी समानता के अधिकार के तहत घूमने लगे। तो अब जो है हम बात करते हैं वर्तमान समय में अगस्त 2021 की। तो अफगानिस्तान पर जो है तालिबान का फिर से जो है कब्जा हो गया है। तो खूबसूरत जो है अफगानी लड़कियां किसी जो है गलती की तरह जो है तहखानों में छिपाई जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानी जो है लड़ाके आकर उन्हें उठा ले जाए और जो है सेक्स स्लेव बनाकर जो है छोड़ दिया जाए। तो गलियों की जो है खुशगप्पियां और मासूमों का जो है बचपन गायब हो चुका है। तो काबुल की जो है शाम अब लौटते पक्षियों की बजाय गोलियों और गालियों से गूंजती है। तो अफगानिस्तान में जो हो रहा है नया नहीं है। मुंह पर मोटी चादरें लपेटे गहरे कपड़े पहने तालिबानी सोच वाले पुरुष भी अकेले नहीं हैं। तो इतिहास गवाह है जब जब भी युद्ध हुआ है हर युद्ध में औरत को सबसे ज़्यादा रौंदा गया है, चाहे रूस हो, ब्रिटेन हो, चीन हो या पाकिस्तान। तो दोस्तों हर जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज़्यादा रौंदा गया हुआ है औरत। तो वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के दिल बहलाव के लिए एक पूरी की पूरी जो है सेक्स इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो मोम की तरह जो है फिसलती त्वचा वाली वियतनामी युवतियों के सामने विकल्प था कि या तो वे जो है अपनी देह उनके हवाले करें या फिर जो है ज़बरदस्ती कुचली जाएंगी। तो इस दौरान जब जो है हज़ारों कम उम्र की लड़कियों को हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए ताकि उनका जो है भरा भरा शरीर अमेरिकी सैनिकों को एट होम महसूस कराए। इस पूरी जो है जंग के दौरान सीली गंध वाले वियतनामी बारों में सुबह से लेकर रात तक कामुकता से भरे सैनिक आते जिनके साथ जो है कोई न कोई वियतनामी औरत जरूर होती। तो लड़ाई खत्म हुई और अमेरिकी सेना वापस लौट गई, लेकिन इसके कुछ ही महीनों के भीतर 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस दुनिया में आए। तो ये वियतनामी अमेरिकी मूल के थे जिन्हें जो है कहा गया बोई दोए, यानी कि जीवन की गंदगी। तो इन बच्चों की आंसू भरी मोटी आंखें देख माँ का कलेजा टूटता तो था, लेकिन गले लगाने को नहीं बल्कि जो है उन बलात्कारों को याद करके जिनकी वजह से वे माँ बनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों साल 1919 से लगभग 2.5 साल पहले आयरिश वार की कहानी की ओर। तो दोस्तों क्रूरताओं का दोहराव भर है। तो खुद ब्यूरो ऑफ जो है मिलिट्री हिस्ट्री ने माना था कि इस पूरे दौर में औरतों पर जो है बर्बरता हुई है। तो सैनिकों ने रेप और हत्या से अलग एक नया तरीका जो है खोज निकाला था। वे दुश्मन औरत के बाल छील देते, सिर ढकने की मनाही थी, सिर मुंडाए चलती औरत जो है गुलामी का जो है इश्तेहार होती थी। तो राह चलते किसी जो है कितनी ही बार उनके जो है शरीर को दबोचा जाता, अश्लील ठहाके लगते और अक्सर जो है सब्जी तरकारी खरीदने निकली औरत घर लौट ही नहीं पाती थी। तो पुरुष लेबर कैंपों में थे और छोटे बच्चे जो है घर पर इंतजार करते हुए उन माँ और दीदी का जो कभी लौट नहीं सकी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों और सैनिकों को हराने के लिए, उनका जो है घमंड तोड़ने के लिए उनकी पत्नियों, बेटियों और उनके जो है माँ के साथ जो है नाजिया के सैनिकों ने क्या किया। तो इतिहास में जो है नाजियों की गिनती सबसे क्रूर सोच में होती है। हालांकि जर्मन औरतें भी सुरक्षित रहीं। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत के सेना ने पूर्वी जो है प्रूसिया पर कब्जा कर लिया। तो घरों से खींच खींच कर जर्मन औरतें बच्चियां बाहर निकाली गईं और एक साथ जो है दसियों के जो है सैनिक उन पर टूट पड़े। तो सबका एक ही मकसद था, जर्मन गर्भ को तोड़ देना। तो किसी पुरुष के गर्भ को तोड़ने का जो है आजमाया हुआ जो है यह एक जरिया है।
तो उसकी जो है औरत से बलात्कार रेड आर्मी ने यही किया। तो इस जो है दौरान सेना का सबसे मजबूत पुरुष बलात्कारियों को और बर्बरता के लिए जोश दिला रहा होता था। तो सोवियत सेना के जो है युवा कैप्टन जो है स्लोज हैनिट साइन ने एक किताब लिखी गुलाग आर्की पेलगो। तो नाम की इस जो है किताब में कैप्टन ने माना कि जर्मन औरतों से रेप जो है रूस के लिए जीत का इनाम था। तो युद्ध खत्म होने के बाद जो है बाद तक हजारों जर्मन औरतें जो है साइबेरिया में कैद रही। वहां जो है नंबर 517 नाम के कैंप में थके हुए रूसी सैनिक आते और नग्न जर्मन औरतों की परेड कराते। जो औरत किसी सैनिक को भा जाती वह उसे उठाकर ले जाता और उब जाने पर वापस पटक देता था। तो 6 महीने के भीतर कैंप की लगभग सारी औरतें खत्म हो गई। तो कट्टरपन के लिए कुख्यात इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के लड़ाके यजीदी औरतों के नाम लिखकर उसे कठोर दान में डाल देते और फिर जो है लॉटरी निकाली जाती। तो जिस भी औरत का नाम जिस लड़ाके के हाथ लगे उसे वो औरत तोहफे में दी जाती थी। तो वह उससे यौन सुख भोगे चाहे बैलगाड़ी में बैल की तरह जोते। अगर वह मर गई तो ठीक, अगर बच गई तो भी उनकी जो है आत्मा तो छलनी होगी ही। तो पूर्वी जो है बोस्निया के घने जंगलों के बीचों बीच जो है एक रिसॉर्ट है। तो दोस्तों विलिना जो है ब्लास यहाँ चीड़ के पत्तों की सरसराहट के बीच प्रेमी जोड़े टहला करते थे। तो बोस्निया की जो है ट्रेवल गाइड में इसे हेल्थ रिसॉर्ट भी कहा जाता था। तो 90 के दशक में हुए जो है बाल्कन वार में इसका चेहरा बदल गया। तो रिसॉर्ट को रेप कैंप में बदल दिया गया। वहाँ जो है बोस्निया की औरतों से सर्बियन लड़ाकों ने महीनों तक लगातार गैंग रेप किया। तो कुछ संक्रमण से मरी तो कुछ ज्यादती से, तो कुछ जो है छतों से छलांग लगा दी। तो साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में ये राज खोला। तब जो है बलात्कारी भीड़ में मिल चुके थे और मुर्दा औरतें जुल्म की गवाही देने हाजिर नहीं हो सकी। युद्ध चाहे हजार साल पहले बीता हो या आज, तो अंदरूनी हो या फिर दो मुल्कों के बीच, औरतें जो है हरदम जीत की ट्रॉफी या जो है हार की याद बनती रही हैं। तो अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है। तो कई औरतें जो है तालिबानियों से बच भी निकलेंगी तो भी उनके जो है शरीर सुरक्षित होंगे लेकिन आत्माएं छलनी। तो वे जो है वे औरतें हैं जिनके पास जो है सुनाने को कोई कहानी नहीं होंगी। वे राजा रानी या जो है परियों की किस्से नहीं कहेंगी। वे चुप रहेंगी और जो है जब कहेंगे तो दुनिया के जो है तमाम लड़ाइयों में हुआ जो है खून खराबा हल्का पड़ जाएगा, तमाम किताबों को दीमक चढ़ जाएंगे और मर्दाना जीत का सारा गर्व दुनिया के सबसे गहरे समंदर में डूब जाएगा। तो कहो और तो कहो, इस बार जो है प्रेम की नहीं, परियों के भी नहीं, अपने जो है साथ हुए बर्बरता और सच्चाई की कहानी कहो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।